तो हाय गाइस, सज्जाद ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आपको फिर से स्वागत है। गाइस आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कोल्ड स्टोर में जो आलू सब निकाला जाता है और यहाँ पे स्टॉक किया जाता है, सब दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे इसका कूलिंग का जो सिस्टम है कैसा है, और आलू को जो रखते हैं वो किसके जरिए रखते हैं, कैसे रखते हैं, पानी को किस तरह से डाला जाता है, सब कुछ दिखाने वाला हूँ इस ब्लॉग में। तो बने रहिए अंत तक, चलिए शुरू करते हैं। गाइस यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पानी ऊपर से गिर रहा है और यहाँ पे इसी से मतलब आलू जो है वो कूलिंग का काम कर रहा है। और आलू का जो है तो कुछ दिनों तक तो यहाँ पे टिकाव हो रहा है, तो इसी के कारण हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे इसमें पैर पौधे सब है। इसी के बाद कुछ दिन बाद यहाँ पे लेने आना पड़ता है। और देख सकते हैं ये ऑफिस है और वहाँ छोटा सा एक देखते हैं बरांडा है, वहाँ पे जमा करना पड़ता है बन सबको। उसके बाद आलू दिया जाता है और 2 से 3 दिन या 1 दिन के बाद आलू मिल जाता है। और मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बर्फ़ का जो काम कर रहा है यही से कर रहा है। यहाँ पे पूरा पानी देख सकते हैं आप, ऊपर से यहाँ से पानी गिर रहा है और यही सब बर्फ़ का काम कर रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और अंदर बहुत सारा मशीन भी लगा हुआ है, इस घर के अंदर बहुत सारा मशीन है। वो मशीन अंधेरे में दिख नहीं रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी कैसे टपक रहा है। ये सब बर्फ़ का काम कर रहा है, इसी से आलू कूलिंग हो रहा है। देख सकते हैं ऊपर वहाँ से पानी टपक रहा है, टपकने के बाद सब बर्फ़ का काम कर रहा है, कूलिंग का काम कर रहा है। और इसी से जो है आलू जो है और यहाँ पे रहता है स्टोर में, और यही बर्फ़ का काम कर रहा है। और अंदर देख सकते हैं वहाँ बहुत सारा मशीन भी रखा हुआ है और ऊपर से पानी सब टपक रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से देख सकते हैं आप पूरा यहाँ पे पानी बर्फ़ का काम कर रहा है। पानी ही पानी यहाँ पे है, लगता है बरसात हो रही है यहाँ पे। यहाँ से पानी टपकता है ऊपर से, ये लोहा सब है। यहाँ से पानी करीब में जाएंगे लग रहा है कि बारिश हो रही है, स्टोर हो गया सारा, स्टोर में दिखाने वाला हूँ। ये ऑफिस हो गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना पेड़ पौधे सारा है। और यहाँ कूलिंग का काम कर रहा है, यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं ऊपर से पानी सब टपक रहा है। लग रहा है करीब में जाएंगे तो लग रहा है कि बारिश हो रही है। और अंदर जो है वो रूम, उस रूम में मशीन सब है, उसी के ज़रिए यहाँ पे पानी सब गिराया जाता है। और ये स्टोर है, स्टोर को आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्टोर है, देखिए बहुत बड़ा स्टोर है, देख सकते हैं आप लोग। आलू का ये सब गोडाउन है, ये सब गोडाउन है, देख सकते हैं आप लोग। ये आलू का गोडाउन है और ग्राउंड सबको देख सकते हैं। ये अंबुजा स्टोर है और कलाईबारी के पास है, नेशनल हाईवे के करीब में है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। कितना बड़ा स्टोर है, आज तक किसी ने नहीं देखा होगा शायद। सबुजन का ये स्टोर है नेशनल हाईवे के करीब, और हम लोग का आलू जो है यहीं पे रखा हुआ था, तो आज मैंने निकालने आ गया तो मुझे सैटरडे को आलू सब मिलेंगे। तो मैं अपना काम कर चुका हूँ वहाँ पे और अब मैं निकल रहा हूँ घर। देख सकते हैं स्टोर को, इतना बड़ा स्टोर किसी ने नहीं देखा होगा शायद। हो गया सब, अब मैं निकल रहा हूँ घर, बहुत टाइम भी हो चुका है। देख सकते हैं लाइफ टाइम, देख लीजिए आप लोग कि आलू के स्टोर जो कूलिंग का काम कर रहा है वो कैसे करता है, सब कुछ दिखाया मैंने इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल को मैंने नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।